लोग पूछते हैं कि सक्सेसफुल कैसे होना, या फिर लोगों को अपनी बात कैसी पटाना या कैसे कन्विंस करना लोगों को, या फिर लोगों को कैसे लीड करना, या अपना माल बेचना है तो कैसे माल बेचना, अपना कहना जो है वो सामने वाले ने कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके लिए किस तरह का कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो मैं उनको हरदम बोलता हूँ कि अब आप रैपो का इस्तेमाल करो, रैपो। और ये NLP का बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। रैपो है RAPPORT, रैपो। और NLP मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो उसमें रैपो का डिस्टिंक्शन हम सिखाते हैं। रैपो मतलब ऐसा है कि क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी का वातावरण की निर्मित करो लोगों के साथ में। एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट, एक प्रामाणिकता और विश्वास का एक वातावरण निर्माण करो सामने वाले के साथ। यह वातावरण ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई उसके साथ में हम बातचीत कर सके, इस तरह का वातावरण तैयार करो। तो उसके लिए रैपो होना जरूरी है। और रैपो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मित्रता है, कोई फ्रेंडशिप है। हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ में अच्छी है मगर आपका रैपो अच्छा नहीं है, और हो सकता है कि आपका रैपो किसके साथ में है मगर फ्रेंडशिप नहीं है। तो फ्रेंडशिप और रैपो अलग अलग है। देखो ना, रैपो मतलब लोगों को, मतलब आपने लोगों को समझ लेना या लोगों ने आपको समझ लेना, दोनों भी होना चाहिए। और जब एक दूसरे की लिंक जुड़ जाती, ताल जब जुड़ जाते मतलब ऐसा कनेक्टिविटी आ जाती है एक, तो फिर एक दूसरे का लोग सुनने के मूड में आ जाते हैं, एक लेवल पे आ जाते हैं, एक पेज पे आ जाते हैं। क्योंकि कॉमनैलिटी जो है वो मुझे किसी में दिखी तो मैं उसके तरफ आकर्षित होता हूँ। जैसा देखो ना, मुझे अभी भी याद है कि मैं बचपन में, हमारे घर के पास में रहने वाली एक स्त्री थी, हमारी आंटी जैसी थी वो, तो उनको, उनसे मैंने कभी बात नहीं किया होगा। और मैं पहली बार नागपुर गया और वो मेरे को रोड पे दिखी, मुझे ऐसा लगा कि बाप रे, अभी इनसे क्या बात करूँ क्या नहीं, एकदम क्लोजनेस, क्योंकि हम अकोला के और मिले नागपुर में। और उसको भी ऐसा लगा कि बस कितने दिन से, मतलब क्या बोलना और क्या नहीं, क्योंकि कॉमनलिटी क्या थी कि दोनों अकोला के हैं और आसपास रहने वाले। हम फॉरेन में जाते हैं, फॉरेन में मिलते हैं तो फिर वहाँ देखते हैं कि इंडियन कौन है, फिर कोई भी राज्य का हो, महाराष्ट्र वाला बंगाली से, बंगाली वाला केरला से, नहीं महाराष्ट्र वो इंडियन है भाई, तो आप जुड़ जाते हैं। मैं जब साउथ में था, बेंगलोर में, तो मैं देखता था कि महाराष्ट्र का कोई है क्या भाई, मराठी बोलने वाला कोई है क्या, तो मैं, मुझे अपनापन लगता था उससे, आपने बातचीत करने में अच्छा लगता था कि नहीं ये महाराष्ट्र का है भाई, क्योंकि कॉमनैलिटी है। तो जो कॉमनैलिटी रही तो फिर लोग एक दूसरे को लाइकिंग करना चालू करते, एक दूसरे को समझना, आकर्षित हो जाते हैं, समझदारी करते, फ्रेंडशिप करते, फिर कॉमनैलिटी है। तो फिर कॉमनैलिटी हम एस्टेब्लिश करेंगे तो क्या होगा लोगों के साथ में, वैसी कोई भी रहो तो लोगों ने आपको लाइक करना चाहिए, है ना। और एक बार लोगों ने आपको लाइक करना चालू किया, फिर आप जो बोलेंगे वो लोग मान लेंगे। ऐसा बोला जाता है कि पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देमसेल्स, पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देमसेल्स और हुम दे अप्रिशिएट। मतलब जो लोग, वही लोगों को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं जो उनके जैसे हैं, या जिनकी वो तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम वही लोगों को लाइक करते हैं, समझो हम रिसेप्शन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई अपने थॉट्स को लाइक करने वाला या अपने विचार वाला कौन सा व्यक्ति है। कोई पॉलिटिशियन होगा तो वो पॉलिटिशियन जाके मिलेगा, कोई डॉक्टर होगा तो डॉक्टर से जाके मिलेगा। तो लोग देखते हैं कि मेरी वैल्यू जैसे किसकी वैल्यू है, मेरे थॉट जैसे किसके थॉट्स है, मेरे इंटरेस्ट जैसा किसका इंटरेस्ट है, मेरी एक्टिविटी जैसी है वैसी एक्टिविटी कौन करता है, उसको लोग लाइक करते हैं, उसके पास में आकर्षित होते हैं। देखो ना, सरीके लगना चाहिए, कॉमनलिटी होना चाहिए, एक लेवल पे आना चाहिए। इसलिए स्कूलों में भी यूनिफॉर्म देते हैं, वो इसलिए कि सबके सरीके यूनिफॉर्म है, सब एक लेवल पे लाना है, कॉमनलिटी लाना है, ताकि एक दूसरे को लाइक करें। तो रैपो एस्टेब्लिश करना है मतलब एक के साथ में तालमेल रख, सामने वाले के साथ में तैयार करना है।
और वो तीन तरह से हो सकता है। एक है वर्ड्स, मतलब भाषा, लैंग्वेज। दूसरा है टोन, इमोशंस, और आपका टोन, आवाज का चढ़ उतार, आपका टोन कौन सा है बोलने का। और तीसरा है फिजियोलॉजी। वर्ड जो है भाषा, उससे 7% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है रेपो में, टोन का 38% होता है, और फिजियोलॉजी का 55% होता है, 55% होता है। हम बोलते हैं ना कभी कभी कि भाई वो आदमी के साथ में जाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके कंपनी में मज़ा आता है। और कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो मिलते हैं ना, आप उनको अवॉइड करना चाहोगे, ये आदमी नहीं होना भाई, ये कोई क्रिटिसाइज कर लेगा, या ऐसे वाइब्स जो है ना वो बराबर नहीं आती, ऐसा लगता है कि उससे दूर चले जाओ, ये आदमी नहीं होना। ऐसे बहुत बार होता है, आपको देखा होगा आपने। तो फिर रेपो करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, लोगों के साथ में मेरा रेपो तैयार करना है ताकि वो मेरे स्ट्रांग रिलेशनशिप तैयार करेंगे, और एक बार स्ट्रांग रिलेशनशिप जिसकी है वो सक्सेसफुल होता है इन शॉर्ट। तो उसके लिए फिर मेरे वर्ड्स कैसे होने चाहिए, तो क्या करना है जब आप किसी से बात करते हो, पहली टिप लैंग्वेज वर्ड्स। तो आपने क्या करना है कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है, मतलब कौन से पॉइंट के ऊपर वो बात कर रहा है, उसका मेन मुद्दा क्या है, तो उसको समराइज करके उसको रिपीट करना, उसको समराइज करके उसको रिपीट करने का है। मतलब कोई बोलता है ना कि भाई क्या करूं, मैं तो बहुत तंग आ गया हूं, मेरा बेटा जो है ना बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, और पढ़ाई नहीं करता है और मानता भी नहीं है, खेलने में तो बहुत ही जबरदस्त खेलता है, पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं करता है, अभी क्या करना है, मैंने उसको सुनना है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि वो कैसा देख रहा है, वो उसका नजरिया क्या है, उसका उसमें इंटरेस्ट क्या है, और वहाँ से फिर मैंने उसको समराइज करना है, और समराइज करके मैंने फिर से बोलना है। क्या बोलना है, कि आपका यही कहना है ना कि आपका बेटा बहुत शरारती है, खेलने में बहुत ही एक्सपर्ट है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, और पढ़ाई में ध्यान देता नहीं है, और आप इसमें तंग आ गए, ये आपका कहना है ना। बोलता हाँ आपने बराबर समझ लिया। अभी मैंने क्या किया, उसके वर्ल्ड में गया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो मैंने सुना, वो मैंने फिर से रिक्रिएट किया, बोला, तो सामने वाले को ये एहसास होता है कि हाँ इसने मेरे को समझ लिया मुझे क्या बोलना चाहिए था। यूजली क्या होता है कि हम बोलते हैं ना, अच्छा तुम्हारा बच्चा ऐसा कर, मेरा भी बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा तो वो आपके बच्चे से भी ज़्यादा तंग कर देता है बिल्कुल, तो वो तो किताब को हाथ ही लगाए नहीं, मगर वो एग्ज़ाम के समय है ना बहुत पढ़ाई कर लेंगे, वो मार्क्स ला लेता है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने उसका सुना ही नहीं, मैंने मेरी टपरी चालू कर दी कि भाई मेरा बच्चा कैसा है, उसको मेरे बच्चे में मेरे कहने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने बच्चे में इंटरेस्ट है, तो उसने यदि मेरे को लाइक करना है तो मैंने पहले उसको सुनना चाहिए, यदि उसने मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए ऐसा लगता है तो मैंने पहले उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो मैं उसका जो मेन बोलने का जो है उसकी समरी करके मैं जब बोलता हूँ और रिक्रिएट करता हूँ, फिर से रिक्रिएट करके बोलता हूँ, तब उसको समझ में आ जाता है कि नहीं इनको समझ में आ गया। ये हो गया पहला, मतलब शब्द भाषा और उसको रिक्रिएट करना। नंबर दो जो है वो है कि भाई टोन ऑफ वॉइस एंड इमोशंस। समझो कोई आपसे बोलता है कि क्या करूं, मुझे है ना ये EMI का चक्कर बहुत ही तंग कर रहा है, बहुत मतलब टू एंड्स मीट करने के लिए तकलीफ हो रही है, और कर्जा बढ़ते जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। समझो आपका दोस्त ऐसा बोलता है, और सभी जो कमाता हूं सब EMI में चले जाता है, तभी आप क्या करेंगे। अभी आपने जो टोन में उसने बोला वो टोन में वो इमोशन के साथ में और वही शब्द रिपीट करेंगे। अच्छा आपने यही बोला ना कि आपके EMI बढ़ते जा रहे हैं, कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, और आपको बहुत फिक्र लग रही है टू एंड्स कैसे मीट करना, और आपका इनकम जो है वो कम पड़ रहा है, यही आपको बोलना है ना। अभी मैंने क्या किया, वही टोन वही इमोशंस और उसकी समरी निकाल के मैंने बोला, इससे एकदम कनेक्टिविटी उसकी मेरे साथ में तैयार हो जाती है। और वेदी ऐसा बोलता है क्या करूं, कर्जा बढ़ते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है,
पूरी कमाई जो है वो ईएमआई में जा रही है और मुझे उसके वजह से बहुत डिप्रेशन आ रहा है। अब समझो कोई ऐसा बोल रहा है तो फिर मैं भी वही टोन में बोलूँगा कि आपका यही कहना है कि भाई आपकी जो कमाई है वो पूरी ईएमआई में जा रही है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, ब्याज भर रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अभी मैंने क्या किया, पहला अलग टोन था क्योंकि उसका अलग टोन था, अभी दूसरा वाला है उसका अलग टोन था तो मैंने वो टोन में उसको बोला। तो ये इमोशंस, टोन है ना, ये मैच करना है उसके साथ में और रिक्रिएट करना है उसने जो बोला। तो ये हो गया दूसरा, पहला हो गया लैंग्वेज, आप क्या शब्द बोलते हैं और उसकी समरी जो है उसका मेन निचोड़ निकाल के उसको रिपीट करते हैं। नंबर दोन वही टोन में और वही इमोशंस में आप रिपीट करते हैं, ये नंबर सेकंड पॉइंट हो गया रैपो बनाने का। और तीसरा है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब बाहरी आपका बिहेवियर, आपके हाथ कैसे चलते हैं, हाथ की चलन कैसी है, आपका चेहरे पे मतलब कैसा हाव भाव है, आपकी आँखें, आप आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात कर रहे हैं क्या, और मतलब वो है और उसके साथ में आप मैचिंग कर रहे हैं। यदि आपको रैपो एस्टेब्लिश करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहला है मैचिंग एंड मिररिंग। मैचिंग एंड मिररिंग मतलब क्या है कि वो जैसा कर रहा है उसकी जैसी फिजियोलॉजी है वैसी मैंने मेरी फिजियोलॉजी तैयार करनी है। समझो वो ऐसा बैठ के बात कर रहा है तो मैंने भी ऐसा बैठ के बात करना है। क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये बराबर चल जाता है कि भाई ये अपने साथ जैसा है, अपने वाला है, ये सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चले गया तो उसका सबकॉन्शियस माइंड लाइक करना चालू करेगा आपको। समझो कोई ऐसा लेके बात कर रहा है तो मैं भी ऐसी बैठ के बात करूंगा उसके साथ। तो क्या होता है, ये होते हैं मैचिंग एंड मिररिंग, जैसा मिरर में दिखता है वैसा डिक्टो मैच करने का है और उसके बाद बात करना है। ये सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल अंदर घुस जाएगा और सामने वाला आपको लाइक करना चालू करेगा। क्या होता है, कोई माल जब आप बेचते हो, कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो सामने वाले ने लाइक तो करना चाहिए पहले आपको, सामने वाले ने आपके साथ में एक तार तो जुड़नी चाहिए आपकी। तो ये सब उसके लिए रैपो एस्टेब्लिश करने के लिए, तो मैचिंग एंड मिररिंग। फिर दूसरा है पेसिंग, पेसिंग मतलब क्या होता है कि वो जैसा कर रहा है वैसे उसको फॉलो करते जाना, मतलब जैसा कोई दौड़ रहा है तो वो थोड़ा सामने दौड़ रहा है और उसको पीछे अपन दौड़ रहे हैं और वो आगे आगे जा रहा है अपन पीछे पीछे जा रहे हैं। देखो रैपो जब आप एस्टेब्लिश करते हैं तालमेल तो शुरू में आपकी हरदम सेकंड पोजीशन रहती है, यार सेकंड वो पहला है। तो पेसिंग में भी यही है कि वो सामने सामने जा रहा है अपन उसके पीछे पीछे, वो जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है अपन उसके पीछे पीछे, वो जैसा कर रहा है वैसा अपन ने करने का है। तो सबकॉन्शियस माइंड में बराबर जाते हैं इंडिकेशंस कि ये भाई अपने जैसा है और जो अपने जैसा है उसको सुनने के लिए सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाता है। तो ये दूसरा हो गया पेसिंग, पहला हो गया मैचिंग एंड मिररिंग, दूसरा हो गया पेसिंग, तीसरा है लीडिंग। और लीडिंग में फिर अभी आप नंबर वन पोजीशन में आ जाओगे और वो नंबर दो पे आ जाएगा और फिर आपने धीरे 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 आपका कहना जो है वो बोलना चालू करना है, क्योंकि उसको पहले आपने खाली कर दिया पूरा, उसका फिजियोलॉजी जैसी अपन ने मैच कर लिया, उसका टोन ऑफ वॉइस, इमोशंस, उसके शब्द उसको समझ लिया, सुन लिया। अब क्या हो गया, वो खाली हो गया, उसको अभी सबकॉन्शियसली ऐसा लगने लगेगा कि नहीं ये आदमी मेरे जैसा है और जब ये मेरे जैसा है, ये मेरी कॉपी है, फिर वो सुनने के मूड में आता है, फिर आप उसको जो सुनाना चाहे वो सुनाओ, आपका रैपो बहुत ही बढ़िया एस्टेब्लिश हो जाएगा और आप वो कम्युनिकेशन में मास्टर बन जाओगे, लीड करना चालू करोगे। ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, लोग आपके आगे पीछे रहना पसंद करेंगे, आप कभी भी जाएंगे कहीं भी तो आपके आसपास में चार पांच लोग हरदम जमा रहेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि सुन लेता है, ये समझ लेता है अपने को। आपने कभी किसको बुलाया तो फटाफट लोग आना चालू करेंगे, आपको लोग सपोर्ट करेंगे और आप एक सफलता की सीढ़ी के ऊपर 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 जल्दी जल्दी जाते जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये NLP का टेक्निक रैपो जो है उसका इस्तेमाल करो। हमारा जो वर्कशॉप रहता है NLP का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते ताकि वो प्रैक्टिकल के साथ में आपको सिखाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।